हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक एडवाइस। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, फोटो ओरिजिनल क्वालिटी में कैसे सेंड करें किसी के पास व्हाट्सअप से। तो दोस्तों, अगर हम किसी के पास व्हाट्सअप से फोटो सेंड करते हैं दोस्तों, अगर फोटो 5 MB का होगा तो 100 या 150 KB का रह जाता है और फोटो फटने लगता है। अगर हम कुछ एडिटिंग करते हैं या फिर किसी के पास सेंड करते हैं उसमें क्लैरिटी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आप व्हाट्सअप से हम ओरिजिनल क्वालिटी में फोटो कैसे सेंड करेंगे? अगर आपका 5 MB का फोटो हो तो 5 MB का कैसे सेंड करें जिससे कि उसकी क्वालिटी बेकार नहीं हो। तो दोस्तों, यही बताने वाला वीडियो है, और वो भी बिना विदाउट किसी ऐप के। कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, जैसे कि हम PDF फाइल बना के सेंड करें, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हम डायरेक्टली अपने व्हाट्सअप से सेंड करेंगे, वो भी पूरी MB में। जितने 7 MB का फोटो होगा 7 MB में सेंड होगा, अगर 5 का होगा तो 5 में सेंड होगा, प्रूफ के साथ दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों लास्ट तक देखना है आपको। तो मैं व्हाट्सअप पर जाता हूँ, ठीक है। व्हाट्सअप पर जाने के बाद कोई भी एक फोटो सेंड करता हूँ मैं, यानी अपने व्हाट्सअप पे, दूसरे व्हाट्सअप पे फोटो सेंड किया, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मैंने किया क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, हम दोस्तों गैलरी से कोई भी फोटो भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें गैलरी से फोटो नहीं भेजना है, किसी को ओरिजिनल क्वालिटी फोटो भेजना चाहते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। पहले नंबर पर डॉक्यूमेंट है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमें अपनी यहाँ पर ब्राउजर पर जाकर अपने फोटोज़ आ जाएंगे, ठीक है। फोटोज़ पर आकर अपने जो फोटो भेजना है वो सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, मैं आ गया कैमरे में, फोटो है मेरा। तो दोस्तों, पहला फोटो आप देख सकते हैं 7 MB का फोटो है, या फिर 7 MB फोटो में सेंड करूंगा, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, मैंने किया फोटो पे क्लिक। जैसे फोटो क्लिक करता हूं दोस्तों, उसके बाद में ऑप्शन आ जाता है सेंड का, ठीक है। तो मैं सेंड कर देता हूं। सेंड के बाद में दोस्तों इस तरह का एक फाइल बन जाती है, आप देख सकते हैं ये फाइल बन गई, ठीक है। अब ये फाइल फोटो में नहीं आएगी दोस्तों। अब मैं यहाँ से जाता हूँ बैक। अब मैंने जिस व्हाट्सएप पर सेंड किया था फोटो, उस व्हाट्सएप करता हूँ ओपन, ठीक है। मैंने किया ओपन व्हाट्सएप, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं माई ये वाला, ठीक है, मैंने ये देखो आ गई मेरे फाइल पे 7 MB का फोटो है। आप देख सकते हैं आप अपनी नज़रों से, ये 7 MB का फोटो था, 7 MB का आया। तो अब इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड कर लिया मैंने इजीली, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट फाइल बन जाते हैं यहाँ से आके। तो डॉक्यूमेंट फाइल के बाद में आप इसे ईजीली, आप बिना क्लैरिटी ख़राब के हुआ, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ 7 MB का फोटो। थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों प्रोसेस में, थोड़ा डाटा मेरा स्लो है आज थोड़ा नेटवर्क भी ऐसा ही आ रहा है दोस्तों, तो सॉरी इसके लिए। हम थोड़ा सा करते हैं वेट दोस्तों। वेट करने के बाद आप इजीली 7 MB का फोटो आप देख पाएंगे। अपने दोस्तों को भी, अगर आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि वो आपको थैंक यू बोलें। और ये बहुत काम आने वाली वीडियो है। अगर आपने किसी फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उनसे हम फोटो लें, तो 7 MB का फोटो आप लेते हैं व्हाट्सअप से तो KBO में रह जाता है, और हम उसे फेसबुक पर अपलोड करते हैं, फिर और क्वालिटी गिर जाती है, तो मज़ा नहीं आता, फटने लगता है उसका, है ना। तो इसीलिए अब मैं इसे इजीली आपको ये ट्रिक बता दी मैंने। अब थोड़ा सा वेट टाइम लग रहा है दोस्तों, आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ मैं। वेट हो गया दोस्तों ये डाउनलोड, ठीक है। मैं इसे करता हूँ ओपन। जैसे मैंने दोस्तों ओपन किया, ओपन करना था व्यू फोटोज़ कर लेता हूँ मैं, ये कर लिए व्यू, ठीक है। व्यू फोटो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया पूरा, ठीक है। अब मैं इसे दिखा देता हूँ आपको, ये आ गया ऑप्शन, ठीक है। ये ऐड कर लिया, इस पर हो गया सेव, हमारी सेव गैलरी में सेव हो गया 7 MB का फोटो दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों। पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।